नवाज नाम वेलकम तो नवाज जी आपसे शुरुआत करते हैं जब आपको बाला साहब ठाकरे के रोल के लिए अप्रोच किया था वैसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने ये फिल्म साइन करी थी क्योंकि आई एम श्योर आपको पता था कि जैसे आप साइन करोगे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का ढेर आने वाला है सी कंट्रोवर्सी तो हर हाँ छोटी छोटी चीज़ों पे आने लगी तो उसका मैं ज़्यादा मैं सब चीज़ों का फिक्र करता नहीं और किसी को करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बात बात पर छोटी छोटी चीज़ों पर तो होने लगी अपना कोई थाट शेयर कर लो उस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है जो लोग बैठे हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए उनके पास काम धाम कुछ है नहीं वो कायर लोग हैं है ना जो काम करने वाले लोग हैं चाहे आप हो मैं हूँ या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते काम करते रहते हैं काम करने वाले लोग काम करते रहते कंप्लेंट करने वाले लोग कंप्लेन करते थे मुझे बहुत पहले मेरे सीनियर ने बताया था कि लाइफ में कभी भी कंप्लेन मत करना है ना जैसे कहते हैं कि नो नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में कोई किसी भी काम को लेके करना है तो करना है जो काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते कर रहे हैं अभिजीत पान ही केम टू यूटेड द स्क्रिप्ट एंड ऑफ इट जस्ट लाइक यू आर मीनाट इज इट दैट अबाउट यू दैट कन्विंस एवरीबडी एंड मेड दैम ऑल बिलीव की यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर द रोल I think what they were looking for is a uh, core Indianness, yeah. you know, that ethnicity, because it is a period film. Apart from that, uh, it was also because it was Meenatai Thakre, you know, there was an image that yeah. was also very important. So I was told this specifically that because of the image that you have, you know, and the, it's like the pure, innocent girl next door. And I, I think that innocence was very true to that era.

टेल मी आपके लिए सबसे स्पेशल ऑन स्क्रीन कैरेक्टर अभी तक कौन सा रहा है या सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ऑन स्क्रीन कैरेक्टर कौन सा रहा है काफ़ी कैरेक्टर्स रहे हैं मेरे लिए जिनके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वही मेमोरेबल भी रहते हैं आपके लिए क्योंकि उसने आपके साथ बहुत सारी एनर्जी बहुत सारा टाइम लिया होता है और वो अच्छा भी लगता है एक्टर को जितना चैलेंजिंग रोल होता है उतना अच्छा भी लगता है तो आई थिंक मेरे लिए सबसे अब तक का मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट रोल था ये ठाकरे तो बहुत आसान तो रोल नहीं था आई थिंक यही मेरी लाइफ में पूरी पूरी ज़िंदगी में यही एक वो मेमोरेबल रोल रहेगा जिसकी वजह से क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी एंड कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट जो प्रेप प्रोसेस था हमारा प्लान था कि बाला साहब की जो एक इमेज है पब्लिक इमेज है वो तो ठीक है वो हम लोग इंटरनेट पे भी, भी देख सकते हैं लेकिन जो एक वो प्राइवेट स्पेस में जो वो कैसे रिएक्ट करते थे कैसे थे वो थाट क्या था उनका वो बहुत खास आदमी ही बता सकता था वो और वो थे राउत साहब अपनी लाइफ का बहुत सारे साल

I don't think it's been for me. It was a conscious decision to take a break and focus on my personal life, like after uh, 2013. But the best part is, you know, like when you do choosy work and you're selective, your work. I mean, like today, like Jolly LLB and uh, satyagrahi's These films are so fresh that it doesn't really, you know, the time has not really uh, made the impact of these films lesser or the memory of these films. You know, you don't have to remind anybody that, oh, right. you remember there was a film. So I think being selective has always helped me. Also, maybe a uh, trend was changing so fast, and uh, I was getting offers from the, you know, I've always worked with only the topmost uh, directors and the banners. But then, t because of the trend change, the on screen requirement also changed, and you know the characters that they were exploring especially boys and girls the way they are in today is so physically intimate and you know so casual about it and uh, big directors big banners were showing that slice of life on screen and i found myself declining a lot of projects and then i thought you know like i think a little bit of break is needed and my personal life was taking more focus. In the middle of that, I felt like, you know, TV was exploring a new... Because, you know, we we mostly do stuff here. We ape the West. Right. So, <laughs> Wahape Hollywood is taking television to another level. Actors like Halle Berry and all are doing TV, fiction, finite series. So, TV was approaching me from 2014. You know, and eventually, I liked the concept of Mary Hi pehchan hai. So, in two thousand sixteen, I did that show. And you know, honestly, very honestly, like even uh, Ji has done finite series now with Sacred Games. When you're doing a two and a half hour film, and when you're doing a series, you get more time to dwell into the character. Right. You know? Day to day, I mean, you're there. Oh every my God! Day, all like time, I yeah. was changing five, six costumes a day. <laughs> you know like and it was retro of course it was right. like the lata ji's uh, and yeah. Asha ji's singing journey so i was changing 5 6 sarees in a day and there was so much of work in a day and more than 12 hours and for 7 months it was a lot of yeah. acting and i think pehli bar mujhe experience hua ki once we were done with the series to come out of that character i like i was just weeping you know <laughs> i was weeping for like 10 15 minutes to come out of that character so so it is so much more intense intense when you you do something like that. Nawaz, you have played a lot of really intense characters, बिल्कुल अंदर घुस घुस के आप अफेक्ट होते हैं आपकी साइकी अफेक्ट होती है कैरेक्टर में और जब मूवी खत्म हो जाती है कैन यू लीव दैट कैरेक्टर बिहाइंड आपको मूवी खत्म हो जाती है क्योंकि आपको दूसरा रोल करना होता है तो उसको बिल्कुल साइड में लाइक like, uh,

विद द रियल पीपल कि जैसे अपने गांव चला गया अपने दोस्तों के साथ बैठ गया वो उसके बारे में थोड़ा सा भी सोचना ही नहीं होता जो कर चुके हो क्योंकि उसको बहुत जल्दी भुलाना पड़ता है नहीं okay. तो क्या उसके थोड़ा सा कुछ रह गया तो आ, दूसरे रोल के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता है या अपने रोल के लिए एक रोल कर लिया आपने और वो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है और उसके उस उसको ले क्या पिंडल्स हो गए माई गॉड मैंने क्या किया था देखो ये वो सब तो इन सबको हटाना पड़ता है क्योंकि आपको नया रोल जीरो से स्टार्ट करना होता है अमृता यू टॉक्ट अबाउट योर यूट्यूब चैनल कैन यू टेल लिटल बिट अबाउट दैट बिकॉज आई वाज रीडिंग सम इंटरव्यूज सो यस माय यूट्यूब चैनल एक्चुअली मुझे बहुत खुद मेहनत करनी पड़ी यू uh, नो you know, जितने भी मेरी फिल्में हैं वो टी पे सुपर हिट है <laughs> और टी uh, पे रिपीट वैल्यू है उनका तो uh, डिजिटलाइजेशन इतना नहीं था वो जो इंटरव्यूज़ हमने दिए थे mm. इश्क के टाइम पे विवाह मैं हूँ ना सज्जनपुर वो सब डॉक्यूमेंटेड uh, नहीं है यू नो यू कान फाइन दैम तो मुझे लगा कि क्यों ना आई सिट इन चैट विथ माई ऑडियंस एंड टेल दैम कि कैसा यू नो हाउ हाउ वाज़ आई कास्ट बाई सूरज जी फॉर विवाह Uh, चले जैसे हवा एक वन टेक सॉन्ग था वो करना कैसा था एम एफ हुसैन ने जब मुझे लाइव पेंटिंग की दुबई में तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा तो मैंने uh, अपने आप को बहुत पुश करके बिकॉज देन यू आर यू या इट्स लाइक यू आर प्रोड्यूसिंग इट यू आर अरेंजिंग एवरीथिंग तो मुझे करना पड़ा बट बिकॉज बट आई एम वेरी हैप्पी आई डिड इट यू नो बिकॉज हु बेटर देन यू गिव द ट्रिविया ऑन योर ओन चैनल टू योर ऑडियंस एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस मूवी दैट वी हैवंट सीन इन द अदर बायोपिक्स लाइक यूनिक फैक्टर क्या है ठाकरे के बारे में बहुत, है।, बहुत है मतलब uh, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इतनी फिल्में करने के बाद uh, इतना नयापन मिला इस फिल्म में यू uh, नो you know, पहली बार आप हम दोनों को ब्लैक एंड वाइट पे देखेंगे पर्दे पर uh, पहली बार uh, हमने मराठी मतलब हमारा मराठी सिनेमा में डेब्यू हो रहा है हम दोनों का और हमने बाईलिंग्वेल कभी शूट नहीं किया था कि पहले हिंदी हो रहा है फिर मराठी हो रहा है कितने बार सेट पे कंफ्यूजन हो <laughs> <laughs> मराठी में जवाब दे रहा है कि हिंदी में बात कर रहा है फिर पहली बार वो रेट्रो जमाने में रेट्रो गेटअप में आना पूरा उस तरीके से एंड फॉर मी आल्सो प्लेइंग अ अ रोल ऑफ हमने uh, कोशिश की है एक तरह से कि लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बहुत सारी बायोपिक देखी उसमें कॉपी करते हुए नजर आते हैं लोग करते हैं कैरेक्टर को या मिमिक्री करते हैं उसकी इसमें हम हम लोगों ने उसको बिल्कुल अवॉइड किया और एक इम्प्रेशन इम्प्रेशनिस्टिक परफॉर्मेंस देने की कोशिश की कि वो लगे भी कि हाँ ठाकरे भी है लगे कि हाँ नवाज भी है ठाकरे भी है वॉइस वॉइस का जो होता है ना कि अगर कोई आप जिस तरह बोलती है मैं उसकी कॉपी कर लूँ बिक्री करने लोगों वो लाइक और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश की लाइक जैसे नल मंडेला थी लिंकन थी या गांधी गांधी जो थी, बट एट द सेम टाइम उसको मासी भी रखा उसको hmm. तो मेहनत बहुत है और बहुत ही जब शुरुआत हुआ था प्रोजेक्ट तो बहुत ही एंथ्यजियाटिक थे सब लोग और उसको उस स्टैंडर्ड तक पहुँच पहुँचाने की कोशिश कोशिश है और वो तो अभी खैर ट्वेंटी फिफ्थ ऑडियंस ही डिसाइड करेगी अगर आप इन सब चीज़ों को साइड में रखें जो कंट्रोवर्सीज हैं आप फिल्म देखो फिल्म के पीछे कितनी मेहनत है और कितना ऑथेंटिक है फिल्म और वो इम्पोर्टेंट होता है <laughs> <laughs> मैंने इनकी बहुत फिल्में देखी इनके साथ काम करने के बाद और भी ज़्यादा इनकी सारी सारी फिल्में देखी वॉट्स योर फेवरेट नवाज फिल्म यू नो कल ही मैं देख रही थी मुन्ना माइकल <laughs> जिसमें डांस किया <laughs> डांस मैंने मैं, मैंने, मैंने, डांस <laughs> मैंने, मैंने एक पोर्शन देखा उसका जो वो मतलब चेज सीक्वेंस था प्र, पंकज त्रिपाठी के साथ मतलब गन लेके भाग रहे हैं और उसके बाद वो भाग जाते हैं और ये ऐसे ब्रेथलेस अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने अपने डायलॉग्स बोले और वो आवाज़ में वो खराश और वो थकान और आई वॉज लाइक माई गॉड जब ये स्क्रिप्ट पे होगा ये सीन इतना मतलब कैजुअली होगा कि देन यू नो यू रन एंड यू चेजिंग विद एंड देन यू एक्सप्रेस कि ओ माई गॉड ये भाग गया मुझे लड़की चाहिए बट जो I think जो best actors होते हैं ना जो खरे actors होते हैं hmm. वो ऐसे मामूली scene को भी ऐसे उठा देते हैं hmm. तो वो देखा मैंने and I've like walked on on, on the set with like even more new found newer found respect for Nawaz ji. अगर तो आप आज, पहले देख लेती ये वाली फिल्म तो और रिस्पेक्ट करती आज से शुरू हुआ बताओ आपका हमें आज टांग <laughs> की चाय थोड़ी कम कर रही हूँ इसलिए <laughs> आज सीरियसली ले रहे हैं हम एक दूसरे को और <laughs> <laughs> okay well thank you guys thank it's been you, a pleasure God. having you good luck for the movie bye thank you